इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। अल्लाह अल्लाह की हबीब का लाख लाख शुक्र है, करम है, आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका सपोर्ट है। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर जो न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे रेसिपीज़ और अच्छे अच्छे स्टोरीज़ और अच्छे अच्छे ब्लॉग इंशाल्लाह ताला मैं अपने चैनल पर डालूँगी आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर देखिए और अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए। आप लोग सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, ठीक है ना। मैं कल एक ब्लॉग बनाई, आज चारशंबा शुरू हुआ, वेडनेसडे स्टार्ट हो गया। मॉर्निंग में इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो अपलोड करूँगी जो मैं अपने रूम की साफ सफाई कर रही हूँ। तो ज़रा नया नया व्लॉग बनाई हूँ ना, तो थोड़ी सी ज़रा झिझक है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट मिला मेरे को और अच्छा सा रिस्पांस मिला तो फिर मेरे में हिम्मत आएगी और इंशाल्लाह फिर मैं अच्छे पूरे जो भी है रोज़ व्लॉग बनाऊँगी। इंशाल्लाह ताला जो भी है मेरी घर ज़िंदगी का सब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है ना। आज मैं एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी, जो रिक्वेस्ट आई थी हॉरर स्टोरी सुनाइए बाजी बोल के। तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला जो जो हम मेरे को याद है, जो हम लोग सुने सो है, आँखों से देखे सो है, वो एक के बाद एक ऐसा मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और ये हकीकत है स्टोरी जो मैं सुना रही, कोई रियल नहीं है ना कोई वो रियल है, कोई फेक स्टोरी नहीं है, ना ही मैं कोई किताब से पढ़ के आपको सुना रही हूँ। तो सुनिए, पहले तो आप लोग अगर डरते हैं तो ऐतल कुर्सी पढ़ लीजिए, हिसार बन लीजिए, फिर इसके बाद मैं बोलती कहानी आप सबको। चलिए स्टार्ट करेंगे। जब मेरी शादी हुई थी, सना भी हो गए थे मेरे को, सना थे मेरे पास, अली थे, छोटे छोटे थे ये लोग, तो उनके बाबा हम मेरा ससुराल शाली बंडे का है, तो वहाँ पर रातों में बैठते ना दोस्ता रहे तो ऐसा कटे कटे बने हुए रहते ना ओल्ड सिटी में, तो ज़्यादा बैठने के लिए तो वैसे ही बैठे थे वो सना के पापा और उनके दोस्त बैठे हुए थे। तो बोले रात के 2-3 बज रहे थे, ऐसे ही बातें कर लेते बैठे हुए रहते ना दोस्तों, क्या मालूम होता टाइम। तो एक औरत है सो लाल साड़ी पहनी हुई है और इतनी खूबसूरत है, बोलते वो इतनी गोरी गोरी खूबसूरत है औरत, और पूरी दुल्हन बनी हुई है, दुल्हन बनी हुई है और घूंघट ओढ़ी भी है, और रोते हुए ये लोग ये रोड पे बैठे हुए हैं, घर के नीचे बैठे हुए हैं ये लोग, और वो औरत जो है सो वो रोड पे से सामने की रोड पे से रोते हुए जा रही औरत। तो ये दोनों देख लिए, देख के परेशान हो गई ये लोग, अरे इतनी रात को 3 बजे के बाद की बात है ये, अकेली औरत है, अरे कई करोरी की यारो क्या हुआ कि शादी हुई, दुल्हन है, इन्हें कौन निकाल दिए कि इसको इसका शौहर निकाल दिया कि क्या है कि ये रात को, बोल के लगा ऐसी देख रहे थे वो औरत इतनी खूबसूरत है, बोलते हैं गोरी गोरी अच्छी बाला लंबे दुल्हन का जोड़ा पहनी हुई है, साड़ी पूरा घूंघट ओढ़ी हुई, मेकअप है सब बहुत खूबसूरत है, बला की खूबसूरत है बोलते। तो ये लोग ऐसे ही बात कर ले रहे आपस में, चल चल जाके देखेंगे ये लोग बात कर ले रहे देखेंगे बोल के, ये लोग बात करके रेडी हो रहे। पीछे से वो औरत का पीछा करते हुए एक साइकिल पे एक आदमी पहले से ही वो औरत का पीछा करते आहिस्ता आहिस्ता औरत के पीछे आ रहा वो, तो ये लोगों की नज़र वो आदमी के ऊपर पड़ी। तो ये लोग बोले अरे देखो ये आदमी वो औरत का पीछा कर रहा, चलो अपन भी पीछा करेंगे, देखेंगे ये लोगों ये आदमी को देखेंगे और ये औरत को देखेंगे, आखिर क्या किस्सा है मालूम करेंगे। तो वो औरत सामने है, वो साइकिल वाला आदमी उसके पीछे है, उसके पीछे सना के बाबा और सना के बाबा के दोस्त है बहरन, दोनों दोस्त ऐसा पीछे पीछे जा रहे, इन लगा पैदल जा रहे, उन्हें साइकिल पे है वो औरत पैदल चल रही जा रहे। तो आप लोग जो हैदराबाद में रहते हैं ना तो लोगों को मालूम होगा, ओल्ड सिटी में मगलपुरा बोल के है और जाली वाला घर बोल के मशहूर है वहाँ पर,
वह चौरस्ता है या क्या है पता नहीं, वहाँ पर एक साइड पे मैं तो नहीं देखी, जाली का जाली वाला घर बोल के बहुत मशहूर है। तो वो औरत है सो वो ऐसा टर्न हो गई, मुड़ गई इधर, वो आदमी भी मुड़ा मुड़ा, वो आदमी क्या कर रहा, साइकिल रोका, साइकिल रोके औरत के पास ऐसा जा रहा पीछा करके, ये लोग वो औरत के पीछे है। तो वो आदमी क्या कर रहा मालूम, उसे जाते 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 ज़रा ऐसा उसको सा टच, ऐसा टच करने लगा तो ऐसा पीछे पलट के एकदम देखते थे, इतना डरावना चेहरा करते उसका, इतना डरावना चेहरा है। तो क्या करी मालूम, चीख मार के औरत, चीख ऐसी चीख मारी करती औरत, आंख पे कांटे आ रही, एकदम दरवाजा बनी छे वो अंदर आर पार हो गई, घर के अंदर आर पार हो गई, आंख पे कांटे आ रहे, अस्तग़फ़र वो औरत है सो अंदर चले गई, रूम में चले, वो घर में चले गई, बच गया रे बोल के चीख मारी करते अंदर से। मेरे को भी बहुत डर ये दोनों ऐसा भागे हैं वहां से। वो बोलते ना गली, वो बहुत गंदी जो बोलते ना चुड़ैल बोलते ना, सफा बहुत ही गते, वो आंख पे कांटे आ रहे, मेरे को भी डर हो रहा बोलने के लिए। तो इतनी जोर से रूप घर में जाके बच गया रे बोली करते उसको। तो ये लगा बोले बस चुड़ैल थी वो, चुड़ैल थी बोल तो भाग के आ गए लोग, आके फिर मेरे सामने सुना ऐसा ऐसा, देखने वाली क्या जरूरत थी पीछे जाने की, ये शादत गली से आदमियों की, जहाँ औरत अच्छी दिखी उसके पीछे पीछे जाने की। अरे नहीं नहीं हम नहीं जा रहे थे पीछे, हम तो ऐसा सोच रहे थे, एक आदमी ऑलरेडी साइकिल पे उसके पीछे आ रहा था, तो हम लोगों को एक ऐसा हुआ जाके देखेंगे उसको बोल के, ऐसा हम लोग गए तो ऐसा ऐसा किस्सा हुआ बोल के ये सुनाए मेरे को आके। फिर एक मेरी मंजिली खाला है, मजीदुनिसा बेगम है उनका नाम, अल्लाह उनको सेहत से रखे। एक मामू है मेरे, एक अपनी खाला है, अल्लाह उन लोगों को सलामत रखे। तो उनको बहुत शैताना दिखते, जिन्नाता दिखते, शैताना दिखते उनको, उनके असरात ज़रा क्या बोलते सितारे, सितारे कमज़ोर है उनके, उनको बहुत दिखते। तो उन्हों क्या करे, उनको घर होने का था रेंट पे, तो उन्होंने क्या, जैसा ब्रोकर रहते ना घर दिलाते, एजेंट रहते ना, तो उन्होंने क्या करे लिख जाए कि एक एजेंट उनको एक मोगलपुरे में, वो लोग पहले ओल्ड सिटी में थे, अब यहाँ इधर ही रह रहे हैं, टोली चौकी की तरफ ही रह रहे मेहदीपट्टनम पे। तो वो ब्रोकर क्या कर रहा, उनको एक घर है दिखा तो मैं बोल के लेके गया, लेके गया। तो उनको तो नहीं मालूम था मेरे खाला को वो घर के बारे में कुछ भी, ऐसा नहीं मालूम था। वो मकानदार तो इतना ऐसा बेचने के लिए बहुत कोशिश करा करते वो घर, ना वो बिका ना किराए से जाता था। तो किराए से अब कोई भी ऐसा जान अनजान लोगों को दे देते थे, तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते थे वहाँ के मंजर देख के, वहाँ के ख़तरनाक हालात देख के परेशान हो गए, फिर खाली करके भाग जाते थे। तो वो एजेंट क्या था, ब्रोकर क्या कर रहा, लेके जाके वो मेरे खाला को वो घर दिखाया। तो वो अंदर गए तो इतना वीरान सन्नाटा, एकदम डरावना बना है घर में, रौनक ही नहीं है। तो मेरे खाला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नमाजी परहेजगार है माशाल्लाह से, अभी हाल हाल में ही उम्रा करके आए हैं, बहुत शुरू से ही बहुत इबादत गुजार है माशाल्लाह। तो उन्होंने बहुत पढ़ायाँ पढ़ते रहते अल्लाह के फजल से, वो पढ़ायाँ पढ़ते रहते, तो पढ़ रहे थे उन्होंने अल्लाह का जिक्र करते रहते हमेशा। अंदर गए, अंदर जाके रूमा देख रहे, तो वो ब्रोकर क्या बोला कि आप लोग घर देख लो कुछ, उसको अर्जेंट से ऐसा कुछ काम कॉल ऐसा आ गया उसको, आ गया। तो वो क्या करा, आप लोग घर देखो मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ बोल के क्या करा, वो उसको क्या डर था क्या था, वो बहाने से फोन के चले गया बाहर। तो मेरे खाला है उनके दो, एक दो बेटे हैं उनके साथ, घर देख रहे हैं, तो घर में से आवाज़ आ रही कहते चले जाओ ये घर मेरा है, चले जाओ ये घर मेरा है, ऐसे आवाज़ आँख पे कांटे आ रहे, ऐसा आवाज़ आ रही, खाला को आवाज़ आ रही, तो परेशान हो गए, अब देख रहे लगा कहाँ से आ रही आवाज़, किधर से आ रही, चले जाओ ये घर मेरा है, चले जाओ ये घर मेरा है, ऐसा बोल के। तो ये लगा डर के फौरन बाहर निकल गए,
धड़ल से दरवाज़ा लगा, जैसा बाहर निकले ऐसा दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। वो तो लगा के ब्रोकर को बोली, ये कैसा घर दिखाती है तुम हमारे को, यहाँ से आवाज़ आ रही, औरत की आवाज़ आ रही, चले जाओ ये घर मेरा है, चले जाओ ये घर मेरा है, बोल के चीखा मारी औरत अंदर से, शैतान भरा घर दिखाते हमारे को तुम। बोल के खाला बहुत बाधा करे करते उसको। ये वाक़या, ये जो किस्सा हुआ 15-20 साल पुराना किस्सा है। अब क्या है कि आबादी भी बहुत हो गई वहाँ पर, लेकिन जाली वाला घर मशहूर है। अब पता नहीं, शायद वो घर टूट गया, मैं तो देखी नहीं घर टूट गया या वैसे ही है वो, नहीं मालूम। क्योंकि क्या है, घर बहुत बन गए ना आजकल, जंगलों में भी नहीं छोड़े। अब हम जो एरिया में, ये भी बहुत जंगल था बोल के सुनने में आया। यहाँ पर भी देखो आप, जगह जगह बिल्डिंगा है। तो बहुत किस्से कहानियाँ हैं ये शैतानों के, जो हम सुने से हैं, हमारे बड़ों से सुने से हैं, और दो चार मैं अपने आँखों से भी देखी सो हूँ। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही सुनाती हूँ, ब्लॉग बड़ा हो जाता, एक एक स्टोरी ऐसा 2-3 दिन 4 दिन में आप लोग बोलिए मैसेज करके, वो मैसेज पूरी में कमेंट में बोलिए कि हमको सुनना है, अच्छा रिस्पांस दीजिए मेरे को इंशाल्लाह ताला, ताकि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नई नई स्टोरियाँ जो भूली नहीं हूँ और अच्छे तरह याद करूँगी, याद करके और अच्छे अच्छे स्टोरीज आपको, रियल स्टोरीज इंशाल्लाह ताला सुनाऊँगी। और ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट करिए और लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब, आप भी अगर नई न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों से भी आप लोग सब्सक्राइब कराइए। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहा तो फिर कोई रेसिपी में इंशाल्लाह, या रेसिपी बनाऊंगी तो मिलूंगी, या तो कोई ब्लॉग बनाऊंगी तो मिलूंगी, या तो कोई अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अपना सब, आप सब अपना ख्याल रखिए और मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, सेहत के लिए दुआ करिए, ठीक है ना। और बस बार बार नहीं बोलती, हाँ याद है ना। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।